दोस्तों, आप सभी को मेरा प्रणाम। तो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आजकल अपने अपने कामों में सब व्यस्त भी होंगे और मैं भी बढ़िया हूँ। तो अभी टाइम हो रहा है शाम के, कितने बज रहे हैं? 5 बज चुके हैं, मतलब 5 तो नहीं बजे हैं, 5:15 हो गया है और मैं जा रही हूँ खेत में, उखेड़ के खेत में, खेतों को खाली करने के लिए, क्योंकि परसों से उखेड़ के खेतों की बुताई भी शुरू हो गई है। तो उसमें जो घास वगैरह है उसको साफ करना है और माँ तो आगे चली गई है। और दोस्तों, पता नहीं मेरी इस आँख में पता नहीं क्या हो गया है, अचानक से मैंने उसको हाथ से मार मार के बिल्कुल छोटी ही कर दी है। देखो नहीं क्या हो गया अचानक। चलो चलते हैं खेत में, देखते हैं। थोड़ा सा ही रह गया, हाँ ज़्यादा तो नहीं है साफ करने के लिए। उन्होंने लगा रखे हैं न्यार का कुंता गोरे के जो घास होता है। तो आजकल तो टाइम का पता नहीं चल रहा, जैसे ही 5 बज रही है वैसे ही अंधेरा चारों तरफ हो रहा है। आजकल के दिन छोटे हो गए हैं, तो इसलिए एक खेत हमारा यहाँ पे है, इसके ऊपर वाला खेत यहाँ की सफाई तो मैंने कर दी है, परसों की थी सुबह। और अब हम जाएंगे दूसरे वाले खेत में, वहाँ की सफाई भी मैंने और मेरी बहन ने शाम को कर दी थी, बस थोड़ा बाकी रह गया है। और अभी जा रहे हैं वहाँ, मैं और मेरी माँ। वहाँ तो आगे निकल गई है। देखो दोस्तों, ऐसे हो रखा है खेतों में झंगोरा काटने के बाद। देखो इसकी सफाई करनी है, इस खेत की तो आधा कर रखी है, पता नहीं किसका है ये। और यहाँ पर रह गया है। और मैं गई थी वहाँ ऊपर, एक भारी लकड़ी के ले गई थी, तो यहाँ पे ये जाती हूँ मैं खेत में। चलो चलते हैं। सुमिता भाभी, तो दोस्तों कल मैंने और मेरी बहन ने यहाँ से इधर तक किया है खेत साफ, इधर तक। ये देखो घास है नहीं वो जा रहा है शाम। ये देखो आई, और जो ये बचा हुआ है यहाँ पे उसको हम घास के लिए ले जाएंगे। पहले मतलब पानी यहाँ पर होते घाम भी चली अब रो। फाइनली खेत भी कंप्लीट हो गया है। अब उखेड़ में कोई खेत नहीं रह गया है जो हमें सफाई करनी होगी। और अब हम चलते हैं घर, कल से जाएंगे हम शौरा। चल बेगी चल घर जुला। ये थरा लाई थी मैं घास के लिए, बट इतना नहीं निकाल पाई। कल सुबह शाम आएंगे, बारीक बारीक घास।